हेलो एंड वेलकम टू साइथामेटिक्स। मैं हूँ ऋतु गुप्ता और आज हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर 6 ट्राइंगल्स, जिसमें हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.6 जो कि ऑप्शनल नाम से है हमारी एनसीईआरटी में, उसके क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। तो पहले हम आते हैं क्वेश्चन 1 पर। यहाँ पे हमें क्या बोल रहे हैं कि एक ये फिगर हमें दे रखा है, इसमें एक ट्राइंगल बना रखा है पी क्यू आर, ठीक है। एंड पी एस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर। ट्रेंगल पी क्यू आर का जो एंगल है क्यू पी आर, इसका बाइसेक्टर है ये पी एस। इसका मतलब क्या है, दिस एंगल क्यू पी एस इज इक्वल टू दिस एंगल एस पी आर। ये दोनों एंगल्स हमें इक्वल दे रखे हैं। हमें ये प्रूव करना है क्यू एस अपॉन एस आर, क्यू एस अपॉन एस आर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर, ठीक है। तो अगर आपको याद आ रहा होगा इस रेशियो को देखकर कुछ, हमें इतना तो पता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा ट्रायंगल होता जिसमें यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर एस है, यहाँ पर आर है, और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होती, तो हम कह सकते थे क्यू एस अपॉन एस आर ये इक्वल होगा, कुछ भी ये पॉइंट है एम सपोज क्यू एम अपॉन एम, और ये भी कुछ पॉइंट है सपोज एन एम एन के। क्यों? बीपीटी हमने पढ़ी है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। किसी ट्रायंगल में अगर कोई लाइन हम ड्रॉ करते हैं जो कि ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल है, तो वो रिमेनिंग टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो बीपीटी यूज़ करके हमें रेशियो सेम मिल सकते हैं। प्रॉब्लम क्या दिखाई दे रही है इस ट्रायंगल में कि हमें यहाँ एसपी के पैरेलल कोई लाइन ही नहीं दिखाई दे रही। तो हम क्या करते हैं, एसपी के पैरेलल एक लाइन हम खुद से कंस्ट्रक्ट करते हैं। पॉइंट आर से, आर के थ्रू हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी जो कि एसपी के पैरेलल है, ठीक है। और इसको आगे एक्सटेंड किया, साथ ही साथ हमने क्या किया, इस क्यूपी को आगे एक्सटेंड किया। जहाँ पर भी ये इंटरसेक्ट हुई दोनों लाइंस, उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया एम, या कुछ भी नाम आप इसको दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन करने का फायदा क्या हुआ कि ये जो ट्रायंगल एम क्यू आर बन गया है, इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि दिस एस पी इस पैरेलल टू आर एम, यानी यहाँ पर अब हम बी पी टी लगाकर क्यू एस अपॉन एस आर फाइंड कर सकते हैं। लिख लेते हैं पहले इस बात को, हमने क्या कंस्ट्रक्शन की है। यहाँ पर हमने आर एम बनाई है पैरेलल टू पी एस, या और अच्छे से अगर हम इसको लिख लें तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एस पी, एस पी के पैरेलल एक लाइन हमने ड्रॉ की कहाँ से, थ्रू आर, ठीक है। और हमने क्या किया, एक्सटेंड किया क्यू पी को, एक्सटेंड क्यू पी सच दैट इट इंटरसेक्ट्स, ये इंटरसेक्ट कर रही है हमारी लाइन को जो हमने नई बनाई है उसको एट पॉइंट एम, इंटरसेक्ट्स द लाइन एट पॉइंट एम। एस पी के पैरेलल बना दी आर एम और क्यू पी को एक्सटेंड कर दिया कि वो आर एम को एम पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हम कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं जो हमें गिवन है। अब ट्रायंगल क्यू आर एम को अगर हम ध्यान से देखें, जो पूरा बड़ा ट्रायंगल है, इसमें हमें दिखाई दे रहा है एस पी इज पैरेलल टू आर एम, ये तो हमने कंस्ट्रक्ट ही किया है। इसका मतलब इसमें हम बी पी टी लगा सकते हैं, तो बी पी टी लगाकर हमें क्या मिलेगा, क्यू एस अपॉन एस आर, क्यू एस अपॉन एस आर इज इक्वल टू क्यू पी अपॉन पी एम, क्यू पी अपॉन पी एम, ये हमें मिल गया बाई यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। तो काफ़ी हद तक तो हमें रेशियो मिलते जुलते मिल गया, क्यू एस अपॉन एस आर भी है, पी क्यू भी है, लेकिन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है यहाँ हमें पी आर चाहिए जबकि हमारे पास पी एम है। तो क्या हम किसी तरह से ये पी आर और पी एम को इक्वल प्रूव कर सकते हैं, वो करने की हम कोशिश करते हैं। अब हमें यहाँ दिखाई क्या दे रहा है कि एस पी और आर एम ये पैरेलल लाइन्स हैं, एस पी और आर एम, और ये जा रही है एक ट्रांसवर्सल क्यू एम, एस पी इज पैरेलल टू आर एम एंड क्यू एम इज अ ट्रांसवर्सल, क्यू एम क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो अगर ऐसा है, दो लाइंस पैरेलल हैं, ये एक ट्रांसवर्सल जा रही है, तो हमें पता है दिस एंगल और दिस एंगल ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये इक्वल होंगे। इस केस में हमें दिखाई दे रहा है कि ये वाला एंगल और एक ये एंगल एम, कैसे एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो एंगल क्यू पी एस ये इक्वल होगा एंगल एम के, क्योंकि ये दोनों हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। और सेम ऐसे ही सपोज ये हमारी इक्वेशन 1, सेम ऐसे ही अगर हम ध्यान से देखें, हमारा एस पी तो पैरेलल है ही,
आरएमके, और इस बार ट्रांसवर्सल अगर हम देख लें ये पीआर, तो ऐसे दो लाइंस है हमारे पास और इस तरह से ये ट्रांसवर्सल जा रही है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। यानी ये वाला एंगल एंगल एस पी आर ये किसके इक्वल होगा, इस एंगल यानी पी आर एम के इक्वल होगा। तो इस बार हम ट्रांसवर्सल देख रहे हैं, पी आर इज ट्रांसवर्सल, तो हमें क्या मिला, एंगल एस पी आर ये इक्वल है किसके, एंगल पी आर एम के, क्योंकि ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये बन गई हमारी इक्वेशन टू, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, हमें क्वेश्चन में ये गिवन था कि ये दोनों एंगल्स तो इक्वल हैं, तो एंगल क्यू पी एस हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि ये इक्वल है एंगल एस पी आर के। ये है हमारी इक्वेशन थ्री, ये हमें गिवन है। इन तीनों इक्वेशंस को अगर हम ध्यान से देखें, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, और अभी हमने क्या प्रूव किया था, हमने ये प्रूव किया था कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और हमने क्या प्रूव किया था, हमने ये प्रूव किया था कि ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल है क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, लेकिन ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब क्या है, ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन वन टू एंड थ्री हमें क्या बात पता चली, इक्वेशन वन टू एंड थ्री से हमें ये पता चला कि एंगल एम इज इक्वल टू एंगल पी आर एन, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। अब ट्रायंगल पी एम आर में क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, तो हमें क्या पता चला, पी एम इज इक्वल टू पी आर, ये जो पी एम है ये पी आर के इक्वल है क्योंकि साइड्स अपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड्स अपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल। पी एम अगर पी आर के इक्वल है तो जो रेशियो हमें पीछे मिला था पीपीटी से, उसमें हम जहां पर भी हमारे पास पी एम था उसको पी आर से रिप्लेस कर सकते हैं। हमें मिला क्या था, बीपीटी से हमें मिला था क्यू एस अपॉन एस आर, ये इक्वल है किसके, क्यू पी अपॉन पी एम के, ये तो हमें बीपीटी से मिला था। और हमें पता है कि पी एम इज इक्वल टू पी आर, तो इसका मतलब क्या है, क्यू एस अपॉन एस आर इज इक्वल टू क्यू पी या पी क्यू अपॉन पी आर, क्योंकि पी एम इज इक्वल टू पी आर, जो हमने ऊपर प्रूव किया है, यही हमें प्रूव यहाँ पर करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। इसमें कह रहे हैं एक ट्रायंगल हमें दे रखा है ये ए बी सी, जिसमें एंगल बी है 90 डिग्री का, ए सी उसका हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज पर एक पॉइंट है डी, डी एम हमने परपेंडिकुलर डाला हुआ है बी सी पर और डी एन हमने परपेंडिकुलर डाला हुआ है ए बी पर, ठीक है। हमें प्रूव करना है डी एम स्क्वायर इज इक्वल टू डी एन इंटू एम सी। पहले तो इस फिगर में एक चीज़ हमें देखते ही समझ में आ रही है, उसको हम थोड़ा सा ध्यान से देखें अगर, कि ये जो फिगर बन रहा है डी एन बी एम, ये जो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इसमें ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, गिवन है, तो ये एंगल भी इसका 90 डिग्री ही होगा। तो यानी ये जो डी एन बी एम है, डी एन बी एम ये हो गया, इसको ठीक कर लेते हैं थोड़ा सा, डी एन बी एम ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, और अगर ये एक रेक्टेंगल है तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, यानी डी एन किसके इक्वल होनी चाहिए, डी एन इक्वल होनी चाहिए बी एम के, और ऐसे ये डी एम इक्वल होनी चाहिए बी एन के। क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल, ठीक है। इस चीज़ को हम आगे इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। तो हम आते हैं इसके पार्ट फर्स्ट पर, हमें क्या बोला है, डी एम स्क्वायर इज इक्वल टू डी एन इंटू एम सी, ये रेशियो, ये जो कुछ भी रिलेशन है हमें ये प्रूव करना है। तो अगर हम ऐसे दो ट्रायंगल्स को सिमिलर कर दें जिनकी साइड्स डी एन हो, दोनों की साइड्स डी एन हो, तो हमें शायद ऐसा कुछ रेशियो मिल सकता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को यूज़ करके। तो हम ऐसे दो ट्रायंगल्स लेते हैं जिनमें डी एन आ रहा है, तो एक तो हमें दिखाई दे रहा है ये वाला ट्रायंगल, इसमें डी एन आ रहा है, ये रहा डी एन, और एक हमें दिखाई दे रहा है ये वाला ट्रायंगल, इसमें भी हमें दिखाई दे रहा है इसकी एक साइड डी एन है। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम सिमिलर करने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। एक एंगल तो हमें बहुत साफ साफ ही दिखाई दे रहा है, एंगल डी एम बी और एंगल डी एम सी, ये तो 90 90 डिग्री के हैं,
एंगल डी एम सी इज इक्वल टू एंगल डी एम बी, ये तो दोनों हैं 90 डिग्री के, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। ठीक है, दूसरा एंगल कहाँ से लाएं? तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, अगर मैं कह दूँ ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है, तो ट्रायंगल डी एम सी की अगर हम बात करें और इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं, तो हमें दिखाई दे रहा है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस ये वाला एंगल यानी 90 डिग्री, ये किसके इक्वल होना चाहिए? 180 डिग्री के, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल आना चाहिए 180 माइनस 90 यानी 90 डिग्री के। ठीक है, और साथ ही साथ एक बात आपने और नोटिस की होगी कि बी डी परपेंडिकुलर है ए सी के, तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री हमें गिवन है। यानी एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये तो हमें 90 डिग्री गिवन है। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करके देखें तो हमें क्या मिलेगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये इक्वल है एंगल 2 प्लस एंगल 3 के, एंगल 2 कॉमन है, कैंसिल आउट कर दिया, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। यानी ये वाला जो एंगल है ये किसके इक्वल है? इस एंगल 3 के इक्वल है। यानी एंगल डी सी एम, एंगल डी सी एम ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है एंगल एम डी बी के, एम डी बी के, ये जो हमने प्रूफ किया है पूरा, ये इसका प्रूफ है। तो इसका मतलब ट्रायंगल डी सी एम सिमिलर है। ट्रायंगल नाम कैसे लिखते हैं? ध्यान से कॉरेस्पॉन्डेंस को ध्यान में रखकर, तो हमें देखना पड़ेगा किस एंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है। तो डी सी एम, इसमें जो एंगल सी है इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा दिखाई दे रहा है? दूसरे ट्रायंगल का एंगल डी। तो जहाँ पर इसमें सी लिखा है वहाँ पर तो हम डी लिख देंगे, और एम पहले वाले का एम और दूसरे वाले का भी एंगल एम, एक का है डी एम सी और दूसरे का है डी एम बी, ये दोनों भी इक्वल है, तो एम की जगह हम एम ही लिख देते हैं। बचा क्या? बचा यहाँ पर बी, तो ये आ गया डी सी एम इज सिमिलर टू बी डी एम बाई ए क्राइटेरिया। अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस हमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालना है। तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है? एक डीएम यहाँ दिखाई दे रहा है, एक डीएम यहाँ दिखाई दे रहा है। इस डीएम की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है बीएम, तो डीएम अपॉन बीएम इज इक्वल टू इस डीएम की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है सीएम या एमसी, एमसी अपॉन डीएम क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डीएम स्क्वायर इज इक्वल टू बीएम इंटू एमसी। लेकिन हमें क्या चाहिए? डी बी एम इंटू एम सी नहीं चाहिए, हमें डी एन इंटू एम सी चाहिए। तो हम ऑलरेडी क्या प्रूव कर चुके हैं ऊपर कि बी एम इज इक्वल टू डी एन, तो जहाँ कहीं भी बी एम लिखा है वहाँ पर हम डी एन लिख सकते हैं। तो डी एन इंटू एम सी क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि बी एम को इक्वल हम प्रूव कर चुके हैं डी एन के, यही हमें प्रूव करना था, डी एम स्क्वायर इज इक्वल टू डी एन इंटू एम सी। सेम ऐसे ही हमें इसका सेकेंड पार्ट करना है। यहाँ पर भी सेम वही बात है कि डी एन बी एम ये तो हम प्रूव कर चुके हैं कि ये एक रेक्टेंगल है, तो इसकी अपोजिट साइड्स तो इक्वल हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, इसका मतलब डी एन किसके इक्वल है? बी एम के इक्वल है, डी एन इक्वल है बी एम के, और ऐसे ही डी एम इक्वल है बी एन के, ये डी एम इक्वल है बी एन के, ये हमें पता है। रेशियो देखकर यहाँ पर रिलेशन देखकर पता चल रहा है, ऐसे दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करो जिसकी जिनकी साइड्स डी एन हो। तो कौन से दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं जिनकी साइड्स डी एन हैं? एक तो ये वाला ट्रायंगल हमें दिखाई दे रहा है और एक ये वाला ट्रायंगल हमें दिखाई दे रहा है। इन्हीं दोनों को सिमिलर करने की हम कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो एक एंगल तो हमें सीधा सीधा ही इक्वल दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ दिखाई दे रहा है एंगल डी एन ए, इस वाले ट्रायंगल का एंगल डी एन ए ये किसके इक्वल है? दूसरे ट्रायंगल के एंगल बी एन डी के इक्वल है, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के हैं, बी एन डी ये भी 90 डिग्री का है। ठीक है, और दूसरा एंगल कैसे प्रूव करें? उसके लिए फिर से हम 1 2 3 मान लेते हैं। सपोज ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है, तो ए डी एन में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमें मिलेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 आ जाएगा 90 डिग्री, और एंगल 2 प्लस एंगल 3 हमें ऑलरेडी गिवन है 90 डिग्री, तो क्वेश्चन में गिवन है। तो इन दोनों को अगर हम देखेंगे, इन दोनों से हमें पता चलेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 से एंगल 2 कर दिया कैंसिल, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। तो ये जो एंगल 1 है ये किसके इक्वल है? ये इस ट्रायंगल के एंगल 3 के इक्वल है। यानी एंगल 2 किसके इक्वल होगा? एंगल 2 ये जो बचा हुआ तीसरा एंगल है इसके इक्वल होगा।
एंगल वन एंगल थ्री के इक्वल है, यानी एंगल DAN ये किसके इक्वल है, एंगल थ्री यानी एंगल BDN के ये इक्वल हमें यहाँ दिखाई दे रहा है जो हमने यहाँ प्रूव किया है उससे। तो इससे हमें क्या पता चला कि ट्रायंगल DAN ये सिमिलर है किस ट्रायंगल के, कॉरेस्पॉन्डेंस का ध्यान में रखकर नाम लिखते हैं तो N और N, N की जगह तो N ही आएगा, और इसका जो एंगल ए है वो इक्वल है इसके डी के, तो इसके ए की जगह डी लिख देते हैं। बचा क्या है इसमें, डी हो गया, एन हो गया, बी बचा है तो बी आ जाएगा यहाँ पर। तो ट्रायंगल डी ए एन इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी एन बाई ए ए क्राइटेरिया। रेशियो निकालते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का, सी पी एस टी से हमें क्या मिलेगा, एक डी एन यहाँ दिखाई दे रहा है, एक डी एन यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इस डी एन का कॉरेस्पॉन्डिंग है बी एन, डी एन अपॉन बी एन इज इक्वल टू इस डी एन का कॉरेस्पॉन्डिंग है ए एन, ए एन अपॉन डी एन, क्रॉस मल्टीप्लाई किया डी एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए एन इंटू बी एन, ऐसे मिल गया। ए एन तो हमें चाहिए, डी एन स्क्वायर भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बी एन हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए इसकी जगह डी एन। और हम ऑलरेडी क्या प्रूव कर चुके हैं कि बी एन इज इक्वल टू डी एम, तो यहाँ पर हम डी एम लिख सकते हैं इसकी जगह, तो ये आ जाएगा ए एन इंटू डी एम, क्योंकि हमें पता है बी एन इज इक्वल टू डी एम, ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि इस फिगर में एक ट्रायंगल है जिसमें ए बी सी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, और ए से हमने एक परपेंडिकुलर डाला है सी बी प्रोड्यूस्ड पर, तो वो यहाँ पॉइंट ए डी जो है ये परपेंडिकुलर है सी बी प्रोड्यूस्ड के। प्रूव दैट ए सी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी सी बी डी। कैसे करेंगे, जैसे हर क्वेश्चन को करते हैं एल एच एस से हम शुरू करते हैं। देखना एल एच एस में हमें चाहिए ए सी का स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर हमें कौन से ट्रेंगल से मिलेगा, ये जो पूरा हमें बड़ा ट्रेंगल दिखाई दे रहा है राइट एंगल ट्रेंगल चाहिए हमें ए सी स्क्वायर निकालने के लिए। इसमें अगर हम पाइथागोरस लगा दें, ट्रायंगल ए डी सी में हम यूज़ कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो हमें मिलेगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, लिख लेते हैं इसको ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, ना तो यहाँ पर कहीं ए डी है ना ही यहाँ पर कहीं सी डी है, तो इनको तो कुछ हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ए डी स्क्वायर को हम और क्या लिख सकते हैं, ए डी स्क्वायर अगर हम निकालना चाहें तो हम किस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा के। ट्रायंगल ए डी बी में हमें क्या दिखाई दे रहा है, अगर हम पाइथागोरस अप्लाई करें, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, इसका मतलब ए डी स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब सी डी भी हमें नहीं चाहिए, बल्कि हमें क्या चाहिए, कुछ ऐसी टर्म चाहिए बी सी इंटू बी डी, तो क्या इस सी डी को हम बी सी और बी डी की टर्म्स में चेंज कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। हमें दिखाई दे रहा है ये सी डी पूरी किसके इक्वल है, ये इक्वल है बी डी प्लस बी सी के, तो सी डी को हम लिख देते हैं बी डी प्लस बी सी, तो सी डी का स्क्वायर है यानी बी डी प्लस बी सी का होल स्क्वायर। ओपन करते हैं ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर तो हमारे पास था ही, प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने यहाँ लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी यानी ट्वाइस बी डी इंटू बी सी, ऐसा कुछ आ गया। नेगेटिव बी डी स्क्वायर पॉजिटिव बी डी स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी डी बी सी, और यही है हमारी आर एच एस, तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। तो इसी के साथ में हम ये वाला लेक्चर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक्सरसाइज 6.6 के क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 के साथ में, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस की अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप क्या करेंगे, वीडियो के नीचे जहाँ पर डिस्क्रिप्शन गिवन रहता है उसका, वहाँ पर एक लिंक मिलेगा, वहाँ देखेंगे, वहाँ पर एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को क्लिक करके आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।